बात पे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो तो। सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसपे मैं सुनाता हूँ आपको याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की कहानियां, और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे कहीं बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है मेरी प्यारी एक्स पत्नी। मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, कभी कभी मन करता है कि तुम्हें मुक्का मार दूं, कभी कभी मन करता है कि तुम्हारे कदम चूम लूं। देखो, मन के मूड स्विंग समझ नहीं आ रहे, इसलिए सोचा आज तुम्हें चिट्ठी लिखूं। यार सोचो तो सही, 20 साल पहले लिखी थी तुम्हें आखिरी बार चिट्ठी। हीरोइन थी तो तब स्कूल की, हीरोइन तो खैर आज भी है, हालांकि मैं तेरा हीरो ना रहा। चलो कोई नहीं, स्कूल टाइम में तेरी बात ही कुछ और थी। मुझे याद है मैंने पहली बार तुझे जब देखा था, तोते उड़ गए थे दिल के, बल्ले चलने होते थे तब हमारे, जिम शिम जाते थे ना रोज, बड़े हाथ पैर तोड़े हमने याद शहर में। सारे डॉक्टर एहसान मानते हैं हमारा, कितनों के टीवी फ्रिज मिक्सी हमारी तुड़ाई की वजह से आए, लाइन लगा दी थी मरीजों की, पर तेरे मरीज तो हम थे। सुना पोएम शोएम पढ़ती थी तू, फिर सुना पोएम शोएम लिखती भी थी तू, तू कवियों की बैठक करती थी, मैं दंड बैठक, तू मधुबाला मैं दारा सिंह, फिर भी मैं तेरे प्यार में पागल। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, बड़ी खुंदकार आज तेरे ऊपर, तुझसे तो शादी भी महंगी पड़ी और तलाक भी। 7.5 साल में तूने मेरे 7.5 लाख तो खर्च कराए होंगे, जब देखो कोई ना कोई नया बहाना पैसे जलाने का। यार मुझसे कह देती, मैं तुझे माचिस की तीली दे देता, तू मेरे पैसे को आग लगा देती, ट्रबल बच जाता ना मार्केट जाने का, है ना। और जब तलाक हुआ तो तू 7 नहीं 60 लाख ऐंठ के चली गई मुझसे एल्युमिनी में। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, दिल कर रहा है कि तेरे घर पे आकर पत्थर मारूं। कम से कम तू इस घमंड की नींद से तो जागेगी, या तेरे ओवर कॉन्फिडेंस के खर्राटे तो बंद होंगे, तू असलियत की करवट तो बदलेगी। हाय मेरी प्यारी एक्स पत्नी, तूने क्यों इतना कस के मेरा दिल चीर दिया यार, मैं तेरी द्रौपदी हूँ क्या? आज सुबह से मैं ऑफिस नहीं गया, घर के हर कमरे में तेरी चीजें ढूंढ रहा हूँ, तेरी 56 चीजें निकली हैं, इकट्ठा कर रहा हूँ। जी मैं आया तो कबाड़ी को भेज दूंगा, लेकिन तुझसे लव करता हूँ ना मैं मेरी प्यारी एक्स पत्नी, इसलिए सब लौटा रहा हूँ। आदत पड़ गई यार तेरी, बुरी आदत छुड़ाना चाह रहा हूँ। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, तू जब मुझे उस लीचड़ के लिए छोड़ के गई तो अपना सारा सामान क्यों नहीं ले गई यार? तुझे पता है तू मेरे घर में कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है? ऑन टॉप ऑफ दैट, तुझे पता है तू मेरे दिमाग में कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है? दिमाग की हर अलमारी में पालथी मार के बैठी हुई है तू, जो की वाड़ खोलूं लो जी तेरा चेहरा। वैसे चेहरे तेरा है भी मस्त, तेरी तो बात ही निराली थी, तू जब मेकअप शेकअप करके निकलती थी तो लगता रहा कि हमने दिवाली की रात भाड़े पे ले लियो। आए हाय क्या बात थी, तू एटम बम मैं फुलझड़ी, क्या जोड़ी थी। जोड़ी से याद आया, ये तेरे चमकीले लाल जूतों की जोड़ी रखी है, क्या करूं भैया इसका, अपने सर पे मारूं? और ये ड्रेसें तेरी, इनकी तो लुंगी भी नहीं बन सकती, हाँ पोछा या पर्दा शायद अच्छा बन जाए। मुझे सब याद है, ये ड्रेसें पहन पहन के तू मुझे कहाँ कहाँ घुमाया करती थी। ये देख तेरी येलो लॉन्ग स्कर्ट पे चाय का दाग, मुझसे ही गिरती चाय, गलती से ऑफकोर्स, लेकिन तूने मुझसे 3 दिन बात नहीं की थी। तेरे लिए महंगे कपड़े इंसानों से ज्यादा जरूरी थे ना मेरी प्यारी एक्स पत्नी। बल्कि शादी के कुछ वक्त बाद तो मुझे यही लगने लगा था कि मैं भी एक महंगा कपड़ा हूं जो तूने शौक में आके खरीद तो लिया है लेकिन अलमारी में टांग के बंद कर दिया है। यार शहर के सबसे एलिजिबल बैचलर को तूने सेट कर लिया था यार, बस जैसे एक मुर्गा खरीद लिया अपने मुर्गी खाने के लिए। अपनी पोएट्री श्वेट्री के चक्रव्यूह में फंसा के तूने मेरा तो करियर बर्बाद कर दिया, वरना अब तक स्टेट कुश्ती टीम में तो होना पक्का था मेरा। लेकिन ना जी, तुझे तो ये पहाड़ अपने घर में उगाना था, घमंडी शो ऑफ कहीं की, जी करता है ना कि तेरी सारी चीजें तेरे घर के सामने ले जाकर जला दूं, ताकि तू वहां पे बैठ के अपने लाल बिस्तर पे बैठी अपनी बुक शुक पढ़ रही हो तो अचानक तू अपनी खिड़की से बाहर देखे कि है ये तो मेरी फ्रॉक है।
ओ अच्छा तुम लोग फ्रॉग नहीं कहते हो ना बड़े होने के बाद। हाँ तो तू बोलेगी है ये तो मेरी स्कर्ट है, इसमें आग कैसे लग गई, ऐसे आंखें मटका के देख देख ऐसे आंखें मटका के। और मैं कहूंगा ये तेरी फ्रॉक नहीं जल रही है, ये तेरी किस्मत जल रही है छप्पन छड़ी, जिसको तूने मुझे तलाक देके अपने हाथों से आग लगाई है। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, यार मजेदार बात है ना, तुझसे प्यार करना भी तूने सिखाया और तुझसे नफरत करना भी। याद है वो पहला पहला दिन जब मैंने तुझे देखा था, तूने पीला सलवार सूट पहना था, कान में राजस्थानी झुमकियां, हाथों में कुछ खनकती चूड़ियां, जिसे याद शहर महाविद्यालय में लिटरेचर की स्टूडेंट नहीं कोई नई बहू चली आ रही हो। भगवान की लाठी को देख, तू कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की आके सीधे मेरे बगल में बैठी। ना वो दिन देखा होता, ना ये दिन देखना पड़ता, ना तू मेरे बगल में बैठती, ना मैं तुझे 3 मिनट में दिल दे देता, ना मैं आज तक कोशिश कर रहा होता कि दिल वापस ले लूं। ओए मेरा दिल वापस दे दे यार, अब दूसरे की चीज ऐसे नहीं रखते, मैं कुछ यूज कर लूंगा, किसी और को दे दूंगा। अपना दिल तो तू सुना है दिए बैठी बड़े टाइम से किसी और को। और फिर नफरत करना भी तू नहीं सिखाया था, कितनी बार मन हुआ कि तेरे घर को ना बम से उड़ा दूं, फिर लगा फांसी हो जाएगी, फिर लगा बम कहां से मिलेगा, फिर लगा निशाना चूक गया। तो वैसे निशाने की तो चैंपियन है तू मेरी प्यारी एक्स पत्नी, ये केतली का हैंडल देख रही है। बाकी मुझ पर निशाना मारने के चक्कर में तूने मुझसे 3 सेंटीमीटर दूर दीवार पे चूर चूर कर दी थी, बाकी केतली तो झाड़ू लगाते टाइम डस्टबिन में पहुंच गई थी, इतना हिस्सा मैंने रख लिया था तेरे प्यार की निशानी, ताकि कभी तन्हाई में इसे चूम सकूं, मुट्ठियों में भींच सकूं, महसूस कर सकूं वो लम्हे जो जहर की तरह मैंने तेरे संग्रह के पिए और जिनके बारे में कुछ ना कर सका। जहर पीने की आदत हो गई थी, छोटा महसूस करने की, तेरे हुस्न की गुलामी सहने की आदत जो हो गई थी, लत लग गई थी मुझे तेरी। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, तेरी वो लत मैं अभी तक नहीं तोड़ पाया हूं। वक्त के डॉक्टर ने बड़ी बड़ी दवाएं दी मुझे, भूलने के इंजेक्शन मेरी बाहों में भोंके, नए नए रिश्तों लोगों लम्हों की गोलियां दी, कुछ काम नहीं आया। मैं अब भी वही हारा हुआ जुआनी हूं जो जानता है कि जुआ खेलना कितनी बुरी लत है, लेकिन सब कुछ हार के फिर उसी मेज पे जाके बैठ जाता है। लेकिन ये हारा हुआ जुआरी आज जिद पे अड़ा है कि कुछ नया करेगा। मैंने फैसला किया है मेरी प्यारी एक्स पत्नी, कल हमारी टूटी हुई शादी की सालगिरह है ना, मैं कल शाम तक तेरा खून कर दूंगा। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, मैंने तेरा शादी का जोड़ा आज फिर से निकाल लिया, लाल और हरा, जरी का बॉर्डर चमचमाता, जैसे किसी चांदनी रात पर तारे जड़े हों। मैंने तेरी गानों की किताब निकाल ली है, जिसमें तू वो सारे उल्टे सीधे गाने लिखा करती थी जो तूने लिखे थे या टीवी से उतारे थे। तेरी पायल भी ले ली है बिल्लो, तेरी पायल पे तो मैं कब से फिदा था, और तेरा एक बिंदियों का पैकेट जो तुझसे छूट गया था जब घर छोड़ के चली गई थी तू एक बड़े सूटकेस में अपना सामान ठूंस के, ये कह के कि फिर कभी नहीं आएगी। अपनी जबान की पक्की निकली तू कमबख्त, पलट के एक बार भी नहीं देखा तूने। मैंने 3000 फोन किए होंगे, चल 3 नहीं 2500 किए होंगे, शाम का टाइम है क्यों झूठ बोलूं यार। चिट्ठियां लिखी, संदेशे भिजवाए, मंदिर में मत्था टेका, और तू ना आई तो ना आई। देख मैं कोई परफेक्ट थोड़ी था मेरी राजकुमारी, मुझ में भी बड़े बड़े ऐब हैं, लेकिन तू भी समझ ले कि तू भी कोई इम्परफेक्ट नहीं है, कोई पाक साफ सफेद चूने में पुती नहीं है तू। मैं जानता हूं उससे मिलती थी तू और मुझे बताती नहीं थी, मैं जानता हूं जब मेरे सामने बैठी होती थी और कोई फोन आता था तो कमरे के बाहर चली जाती थी ये कह के कि ऑफिस का कॉल है, डेमोक्रेसी है भैया। लेकिन यहाँ शहर में अब डेमोक्रेसी खत्म, डिक्टेटरशिप चालू, अब सिर्फ मेरी चलेगी, और मैंने ये फैसला किया है कि मैं तेरा खून करूंगा, तेरा शादी का लाल जोड़ा पहनना होगा तुझे, तब मारूंगा तुझे, पहले तेरी गानों की डायरी से गाना सुनाऊंगा, फिर हम अपना तलाक दोबारा करेंगे, इस बार तू मुझे नहीं
मैं तुझे तलाक दूंगा, पहले खुद से फिर जिंदगी से। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, टैक्सी ऑर्डर कर लिया है। भाई मैं क्यों खुद ड्राइव करके जाऊं, फूल ऑर्डर कर लिए हैं, कत्ल करने जा रहा हूं तो क्या हम अभी भी तमीज नहीं फूले हैं, लेडी के घर जा रहे हैं, फूल लेके जाएंगे ना। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर उसके बाद कोई इंतजार नहीं, दिल का ये दर बदर भटकना बंद। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, यार तू कचहरी भी लिपस्टिक लगा के आई थी, कम से कम तलाक के दिन तो मेकअप ना किया होता। खैर तू हमेशा से मनमौजी थी, पहले तूने अपने घर वालों की ना सुनी मुझसे शादी कर ली, फिर तूने मेरी ना सुनी उससे दिल लगा लिया। चल भगवान की तो सुनेगी तू, उसी के पास भेज रहा हूँ बिल्लो, वहां खूब टाइम होगा तेरे पास। मस्त लिपस्टिक मस्कारा लगा लेना, आंखों में आईलाइनर लगा लेना, ना हो तो नरक में तेरी बहुत सारी फ्रेंड मिल जाएगी, उनसे ले लेना। क्रोशिया सीख लेना, तो हमेशा क्रोशिया सीखना चाहती थी। मलाई कोफ्ता बनाना सीख लेना, एक दिन ही बनाया था तूने मलाई कोफ्ता, वो भी थोड़ी देर के बाद जमीन पे फेंक दिया था। तभी मैं समझ गया था कि गुस्सैल और चुड़ैल इतना राइम क्यों करते हैं। गुस्सा तो तेरा ऐसा था कि यहाँ शहर की फायर ब्रिगेड ना हमेशा अलर्ट रहती थी कि कब भैया धुआं उठा, जरूर झांसी की रानी किसी बात पे तनक गई होंगी। हो सकता है चप्पल ना मैच कर रही हो लिपस्टिक से, या तौलिया गलती से बेड पे गिर गया हो, या वो मार्केट में हो और ड्राइवर की गाड़ी पार्किंग से उसके पास लाने में 1.5 मिनट देर हो गई हो। उस दिन जब तू कोर्ट में आई थी मुझसे तलाक लेने, एक सेकंड के लिए मैंने सोचा चल जज के सामने बोल देता हूँ, सर जी मैं तो इसे तलाक नहीं दूंगा, मैं अभी भी इसका कुछ लगता हूँ। लेकिन तेरी आंखों में मैंने देखा तो पता लगा कि यार मैं तो कब से तेरा कुछ नहीं लगता हूँ, मैं तो बस एक अनजान आदमी था जो तेरे बगल में खड़ा था, जिसके साथ तूने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी थी कि भाई ये मेरा कहने को पति होता था और इससे मुझे छुटकारा दे दो। लेकिन मेरी प्यारी एक्स पत्नी, छुटकारा नहीं मिलने वाला तुझे मुझसे, मैं तो उल्लू बन के तेरे कान में हू हू करूंगा जिंदगी भर, मैं तुझे मुक्का मारूंगा देखते ही, मैं तेरा पर्स छीन के भाग जाऊंगा, मैं तेरे समोसे में जहर दे दूंगा, तू समझ ले सपन सुंदरी, मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू भगवान से प्रार्थना करेगी कि हे भगवान काश मैं अभी भी इसकी बीवी होती, कम से कम मैं इसको आराम से सताती तो रहती। कुछ तो बोल मेरी प्यारी एक्स पत्नी, मैं ही कब से बातें किए जा रहा हूँ, मेरे मन की विंडो खोल दे, कुछ तो बोल दे, रूठी क्यों है। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, डार्लिंग तू ये मत सोचना कि तेरे बिना मैं उदास हूँ, कि मैं रेगिस्तान का ऊंट हो गया हूँ, कि तेरे बिना मैं दुबला होकर आधा हो गया हूँ तेरे गम में, या सैड सॉन्ग सुनता हूँ देवदास टाइप बन गया हूँ। मैं तो दाढ़ी तक नहीं बढ़ाई, मस्त शेव करता हूँ, गाने सुनता हूँ, अपने दोस्तों के साथ गाने गाता हूँ। किशोर कुमार का वो गाना याद है, मेरे सामने वाली खिड़की में, वो हिट नंबर है मेरा। मेरी प्यारी एक्स पत्नी, तुझे आज तक बताया नहीं, तुझे इम्प्रेस करने के लिए मैंने कॉलेज में 2 महीना जिम शिम छोड़ के कविता लिखनी चालू कर दी थी। सोचा था मैं कुश्ती छोड़ के कविता लिखूंगा तो तू मुझे अपने बराबर का मान लेगी। लेकिन एक बार जब तुझे एक छोटी सी सुनाई थी तो तूने इतना हंसी करी, तूने इतना मजाक उड़ाया कि उसके बाद गुस्से में मैंने डायरी पुरानी लकड़ी वाली अलमारी में रख दी थी, निकाल के ले आया उसे, अपने दोस्तों को सुनाता हूँ, सब बड़ा इंप्रेस होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, मस्त हूँ, खा खा के मोटा हो रहा हूँ, शाम को बैडमिंटन या कैरम खेलता हूँ, कभी कभी फिल्में देखता हूँ। तेरे बारे में अपने सारे दोस्तों को बता दिया है मेरी प्यारी एक्स पत्नी, सब जानते हैं कि तुझे किन किन बातों पर गुस्सा आता है, तुझे कौन सी फिल्में पसंद हैं, तू क्या करती है, और मैं तुझे क्यों मुक्का मारना चाहता हूँ और फिर तेरी जान लेना चाहता हूँ। आज कुछ ज्यादा खुंदक में था तो बाकायदा कॉपी पेंसिल लेके बैठा हूँ कि तुझे लेटर लिख के ही आज मैं सोने जाऊंगा। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ मेरी प्यारी एक्स पत्नी, मैं कल तक तेरी जान ले लूंगा। वैसे भी यहाँ पागलखाने में हम लोगों का बाहर निकलना मना है, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर किराए पे लेके आऊंगा, या अपने दोस्तों से कह के पानी का जहाज मंगा लूंगा, उस पर बैठ के तेरे घर आऊंगा, तुझे बताऊंगा कि जब तू मुझको छोड़ के चली गई उस दिन से मैं अपने इसी नए घर की चार दीवारी में कैद बेचैन तुझे याद करता जी रहा हूं, तुझे अब याद नहीं करना चाहता हूं, मुझे खुद से आजाद कर दे मेरी प्यारी एक्स पत्नी, इन यादों से आजाद कर दे। इसलिए पिछले 2 महीने से इतनी मेहनत करके तुझे 4 पन्ने की ये चिट्ठी लिख पाया हूं, तेरे लिए मैं
कुछ भी कर सकता हूं मेरी प्यारी एक्स पत्नी। मैं तुझे कहा था ना कॉलेज के दिनों में, मैं तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल। बस इतनी सी थी आज की कहानी।